आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, मतलब हमसे ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। यहाँ पर अगर बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट की, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें गिवन है नियंडरथल मैन एंड क्रोमैग्नन मैन वर लिविंग एट द सेम टाइम। तो हम कहेंगे कि जो ये स्टेटमेंट है ये हो जाएगी एक फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि अगर हम बात करें नियंडरथल मैन की तो वो अर्थ के सरफेस पर प्रेजेंट था बिफोर क्रोमैग्नन, और नियंडरथल मैन को हम कंसीडर करते हैं फर्स्ट होमो सेपियन। उसके बाद ये जो स्पीशीज थी ये हो गई थी एक्सटिंक्ट और अर्थ पर प्रेजेंट था क्रोमैग्नन। तो अगर हम यहाँ पर बात करें क्रोमैग्नन की, तो क्रोमैग्नन को हम कंसीडर करते हैं एज द डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न डे मैन। तो इसलिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें गिवन है ये है एक फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि दोनों स्पीशीज सेम टाइम पर अर्थ के सर्फेस पर प्रेजेंट नहीं थी। अगर हम यहाँ पर बात करें नेक्स्ट बी स्टेटमेंट की, तो गिवन है ऑस्ट्रेलोपिथेकस वाज लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया। तो हम कहेंगे कि जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो भी है एक फॉल्स स्टेटमेंट। जो ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस ऑर्गेनिज्म था, इसका जो फॉसिल था वो एक्सकवेट किया गया था फ्रॉम द टुओंग रीजन, और इस फॉसिल को नेम दिया गया था टुओंग में भी। टुओंग रीजन की बात करें तो ये प्रेजेंट है इन साउथ अफ्रीका। लेटर इस टुओंग में भी फॉसिल को नाम दिया गया था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस का ऑस्ट्रेलिया से कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा इनकरेक्ट ऑप्शन। अगर बात करें सी की, तो सी ऑप्शन में बोला गया है होमो इरेक्टस इज प्रीसीडेड बाय होमो हैबिलिस। तो हम कह सकते हैं कि जो ये सी स्टेटमेंट यहाँ पर हमें गिवन है ये है एक ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि अगर हम बात करें होमो हैबिलिस की तो हम इसे कंसीडर करते हैं एज प्री हिस्टोरिक मैन, और ये प्री हिस्टोरिक मैन आया था फ्रॉम द कनेक्टिंग लिंक, जिसे हम कंसीडर करते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस से फर्दर प्रोड्यूस हुआ प्री हिस्टोरिक मैन जो कि है होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस की अगर बात करें तो ये स्पीशीज को हम कहते थे टूल मेकर मैन, क्योंकि जो ये ऑर्गेनिजम्स थे ये बनाते थे टूल्स आउट ऑफ स्टोन्स, जिसे ये यूज़ करते थे फॉर प्रोटेक्शन। होमो हैबिलिस के नेक्स्ट जो स्पीशीज आई दैट वाज ऑफ होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस की अगर हम बात करें तो इन्हें कहा जाता था केव ड्वेलर्स, क्योंकि ये रहते थे इन केव्स। और होमो इरेक्टस में बेसिकली दो डिफरेंट फॉसिल्स मिले थे होमो इरेक्टस स्पीशीज के, एक था ऑफ जावा मैन और सेकंड फॉसिल था ऑफ पीकिंग मैन। जावा मैन का फॉसिल एक्सकवेट किया गया था फ्रॉम इंडोनेशियन जावा आइलैंड, और अगर बात करें पीकिंग मैन की तो इसका फॉसिल मिला था फ्रॉम चाइना। तो हम कह सकते हैं कि सी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि वहाँ पर बोला है कि जो होमो इरेक्टस स्पीशीज है दैट इज प्रीसीडेड बाय होमो हैबिलिस। तो यही हमें देखने को मिला, तो हम कह सकते हैं कि सी है एक करेक्ट ऑप्शन। और अगर बात करें ऑप्शन डी की, तो गिवन है नन ऑफ दीज, तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट। तो यहाँ पर इस केस में जो हमारा आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी, होमो इरेक्टस इज प्रीसीडेड बाय होमो हैबिलिस। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।